साझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप एक एडसेंस क्रिएटर्स हैं या फिर गूगल एडसेंस अकाउंट आप बनाना चाहते हैं तो आप देखते होंगे जब गूगल एडसेंस अकाउंट आप क्रिएट करने जाते हैं तो वहां पे फर्स्ट जो ऑप्शन आता है वहां पे काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं और वहां पे वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिस गलती को लेकर वो एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनको अप्रूवल वहां पे नहीं मिल पाता और बाद में उनको एहसास होता है जब एड्रेस पिन वेरिफिकेशन का काम आता है या फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब वो सक्सेस कराने जाते हैं तो वहां पे उनको एडसेंस अकाउंट को रिजेक्ट कर देता है। आखिर वो समस्या क्या है, सबसे पहले ये आप समझिए। जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस पेज पे दो ऑप्शन आपको लिख कर आता है जहां पे इंडिविजुअल और बिजनेस लिखा हुआ होता है। काफी सारे ऐसे नए क्रिएटर्स होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं और सही ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना चाहिए वो वहां पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनको एक ही बात का एहसास होता है कि अगर हम एडसेंस अकाउंट से अर्निंग करेंगे इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करना चाहिए। आखिर किसी भी क्रिएटर्स को इंडिविजुअल वहां पे सेलेक्ट करना चाहिए या फिर बिजनेस सेलेक्ट करना चाहिए? सबसे पहले आप ये जो कन्फ्यूजन है वो आप दूर कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए आपके पास एक नहीं 10 यूट्यूब चैनल है। अगर सभी यूट्यूब चैनल को आप खुद ही चलाने वाले हैं या फिर जिस गूगल एडसेंस अकाउंट को आप बना रहे हैं अगर वो पर्सनल आपका एडसेंस अकाउंट है उससे अर्निंग आप खुद करने वाले हैं तो वहां पे आप बिजनेस भूल कर भी सेलेक्ट मत कीजिए। वहां पे इंडिविजुअल जो है आपको सेलेक्ट करना होगा। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि अकेला, जो व्यक्ति जिस नाम से वहां पे अप्लाई कर रहा है उसी के नाम से वो एडसेंस अकाउंट होगा। और जब आप बिजनेस वहां पे सेलेक्ट कर देते हैं इसका मतलब है कि वो जो एडसेंस अकाउंट है वो बिजनेस पर्पज से जो है इस्तेमाल हो जाता है। अब इसका मतलब साफ हो जाएगा कि जाहिर सी बात है वो एडसेंस अकाउंट जो है उसका नाम जो है इंडिविजुअल आपका नहीं होगा, उस पर फिर आपको अपने बिजनेस का नाम जो है वो शो करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम जो भी है वहां पे रमेश या फिर सुरेश, जो भी नाम है जिस नाम से भी एडसेंस अकाउंट बना रहे आपके आईडी पे जो भी नाम है अगर उस नाम से आप वहां पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पे 100% आप वहां पे इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है उसी को आप सेलेक्ट कीजिए। लेकिन वही आपके पास कोई ब्रांड है, कोई आपके पास कंपनी है, कोई इंटरप्राइजेज है और उसके नाम से आप एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फिर वहां पे आप बिजनेस सेलेक्ट कर दीजिए। लेकिन हमेशा आप ध्यान रखिए, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए आप बना रहे हैं या फिर आप पार्टिकुलर बना रहे हैं, किसी भी एडसेंस क्रिएटर्स के लिए सबसे बेहतर वहां पे विकल्प है आप इंडिविजुअल ही सेलेक्ट कीजिए। भले ही आप यूट्यूब चैनल आप किसी बिजनेस के लिए बना रहे हैं लेकिन उसके पीछे मोटो एक ही होगा कि उसका ओनर कोई ना कोई एक ही होगा। आगे समस्या क्या होता है वो समस्या हम आपको बता देते हैं। जब आप इंडिविजुअल करके जो है अप्लाई करते हैं तो जिस समय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने की बात आती है तो जिस क्रिएटर्स के नाम से आप एडसेंस अकाउंट बनाए हुए होते हैं उस क्रिएटर्स का डॉक्यूमेंट जो है, चाहे आप पैन कार्ड डालिए या फिर आधार कार्ड डालिए, राशन कार्ड डालिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डालिए, जिस व्यक्ति के नाम से आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं उसका आईडी प्रूफ जो है आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के समय डालना पड़ता है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं करते हैं और बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं तो ध्यान रखिए जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अप्लाई करने की बारी आएगी और वहां पे पर्सनल आप अपना जो है आईडी डाल देंगे तो उस एडसेंस अकाउंट को गूगल क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। वो आपसे वो आईडी डिमांड करेगा जिस आईडी के नाम पे आप बिजनेस जो है सेलेक्ट किए हुए हैं। आखिर आपका पास इंटरप्राइजेज कौन सा है, कौन सा आपका कंपनी है, उसका आईडी जो है वहां पे डालना होता है। तो काफी सारे ऐसे एडसेंस क्रिएटर्स हैं जो इस चक्कर में फंस जाते हैं, वो सही डिसीजन नहीं ले पाते और उनको एहसास तब होता है जब उनके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को गूगल क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है और वहां पे फिर वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि आखिर वो गलती क्या किए हुए हैं। तो आपके पास सबसे बेहतर विकल्प है अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो भूल कर भी आप वहां पे बिजनेस सेलेक्ट नहीं कीजिए। और अगर आप बिजनेस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप ये डिसीजन जरूर ले लीजिए कि जिस ब्रांड के नाम को लेकर आप बिजनेस वहां पे बना रहे हैं क्या उसका डॉक्यूमेंट पहले से आपके पास कोई है। अगर डॉक्यूमेंट होगा तभी आपका वो एडसेंस अकाउंट अप्रूवल होगा, अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो फिर उसको एडसेंस रिजेक्ट कर देगा। तो सबसे बेहतर विकल्प है आप अपने परिवार के किसी भी मेंबर के नाम पे जो है एडसेंस अकाउंट बना लीजिए ताकि जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अप्लाई करने जाएंगे तो जिस भी व्यक्ति के नाम पे आप एडसेंस अकाउंट बनाए रहेंगे उसी व्यक्ति का आईडी प्रूफ सिर्फ आपको डालना होगा। और जैसे ही आईडी प्रूफ आप वहां पे सबमिट कर देते हैं 7 घंटा से लेकर 24 घंटा के अंदर जो है गूगल क्या करता है आपके उस एडसेंस अकाउंट को अप्रूवल दे देता है।
लेकिन काफी सारे ऐसे नए क्रिएटर्स हैं, लगभग वहां पे 40% यानी कि अगर 100% क्रिएटर्स की बात करें तो जो बिना वीडियो को देखे हुए जो बिना सोचे समझे वहां पे अप्लाई करते हैं, वहां पे नॉर्मल क्रिएटर्स जो है बिजनेस वहां पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो वही उनका डिसीजन जो है सबसे बड़ा गलत होता है। और जब वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अप्लाई करने जाते हैं, वहां पे अप्लाई जब कर देते हैं तो गूगल उनके एडसेंस अकाउंट को अप्रूवल नहीं देता है। तो इस गलती में आप बिल्कुल मत फंसिए। और जो एडसेंस अकाउंट पे आपको दो ऑप्शन लिखकर आ रहा है इंडिविजुअल या फिर बिजनेस, तो वहां पे 100 नहीं 110% आप इंडिविजुअल वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, वही आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा।